हाँ तो बच्चों अपन रंध्र के खुलने और बंद होने की क्रिया विधि पढ़ेंगे। रंध्र के खुलने और बंद होने की क्रिया विधि, खुलने व बंद होने की क्रिया विधि। अब क्या है, बहुत सारी थ्योरी दे रखी है कि रंध्र के खुलने और बंद होने की तीन चार थ्योरी है। उसमें अपन सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरी है पोटेशियम स्थानांतरण सिद्धांत, उसका अध्ययन करेंगे। मैकेनिज्म ऑफ स्टोमेटा ओपनिंग एंड क्लोजिंग है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरी है पोटेशियम स्थानांतरण सिद्धांत। पोटेशियम स्थानांतरण सिद्धांत है, उसका अपन अध्ययन करेंगे कि पोटेशियम स्थानांतरण सिद्धांत को समझाओ। तो पोटेशियम स्थानांतरण सिद्धांत जैसे ही आपसे पूछेंगे तो आपको सबसे पहले दो वैज्ञानिकों के नाम बताने हैं। एक का नाम था इमामुरा और दूसरा था फ्यूजिनो। इमामुरा और फ्यूजिनो नामक वैज्ञानिक है, उन वैज्ञानिकों ने यह सिद्धांत दिया था। तो रंध्र के खुलने और बंद होने का जो सिद्धांत दिया था वो इमामुरा और फ्यूजिनो ने दिया था, और लेविट ने इसको रूपांतरित किया था। लेविट ने इसको क्या किया था, रूपांतरित किया था। तो रंध्र के खुलने और बंद होने की क्रिया विधि में सबसे पहले बताओगे कि इमामुरा और फ्यूजिनो ने यह सिद्धांत क्या किया था, प्रतिपादित किया था यानी दिया था, लेकिन लेविट ने इसको मॉडिफाइड किया और बताया कि किस तरह से रंध्र खुलते हैं, किस तरह से बंद होते हैं। और एक सवाल आता है, ऐसा कौन सा आयन है जो रंध्र के खुलने और बंद होने के लिए उत्तरदायी है, तो पोटेशियम आयन होता है। ये सवाल कई बार आ रखा है, बच्चों से पूछा जाता है, बच्चों ऐसा कौन सा आयन है जो रंध्र के खुलने और बंद होने के लिए उत्तरदायी होता है। बच्चे क्या करते हैं, मन आता है वो लिखता है, लेकिन अब मैं आपको बता रहा हूँ पोटेशियम आयन होता है, वो रंध्र के खुलने और बंद होने के लिए उत्तरदायी है। अब अपन सबसे पहले शुरुआत करते हैं दिन के समय। दिन के समय क्या होता, दिन के समय अपन देखेंगे द्वार कोशिका में। दिन के समय द्वार कोशिका है, उस द्वार कोशिका के अंदर, दिन के समय द्वार कोशिका के अंदर क्या होगा, जो मैलिक अम्ल है, दिन के समय द्वार कोशिकाओं में जो मैलिक अम्ल है उसका वियोजन होगा। मैलिक अम्ल है वो टूटेगा और मैलेट और हाइड्रोजन बनेगा, मैलेट आयन और हाइड्रोजन आयन बनेगा, मैलेट और क्या बनेगा, हाइड्रोजन आयन। ये आपने देखा, ये द्वार कोशिका है, ये द्वार कोशिका, इस द्वार कोशिका के अंदर क्या है, मैलिक अम्ल है। ये मैलिक अम्ल मैलेट और हाइड्रोजन में टूटेगा, ये मैलिक अम्ल किस में टूटेगा, ये मैलिक अम्ल मैलेट और हाइड्रोजन में टूट जाएगा, मैलेट और हाइड्रोजन में टूट, हाइड्रोजन द्वार कोशिका से सहायक कोशिका में चला जाएगा। हाइड्रोजन होगा वो द्वार कोशिका से किस में चला जाएगा, सहायक कोशिका या गौण कोशिका में चला जाएगा। ये चला गया सहायक कोशिका या गौण कोशिका में, और गौण कोशिका में जो पोटेशियम है उसका सक्रिय सेवन होगा, यानी एनर्जी की सहायता से किस में ट्रांसफर होगा, द्वार कोशिका में। तो द्वार कोशिका में क्या हुआ, पोटेशियम आ गया, और द्वार कोशिका में जो हाइड्रोजन था वो सहायक कोशिका में चला गया। अब ये सहायक कोशिका से पोटेशियम आयन है उसका स्थानांतरण सक्रिय सेवन क्रिया द्वारा होता है, यानी ऊर्जा की सहायता से होता है, और ये पोटेशियम मैलेट के साथ क्रिया करेगा और पोटेशियम मैलेट बनेगा। तो द्वार कोशिका में क्या बन गया, पोटेशियम मैलेट बन गया, द्वार कोशिका में बन जाता पोटेशियम मैलेट, बन गया पोटेशियम मैलेट। और पोटेशियम मैलेट बनते ही द्वार कोशिका की परासरणी सांद्रता बढ़ेगी, द्वार कोशिका में जो परासरणी सांद्रता है वो बढ़ेगी, द्वार कोशिका की परासरणी सांद्रता है वो बढ़ जाती है। जब द्वार कोशिका की परासरणी सांद्रता बढ़ती है तो जल है ये पोटेश हाइड्रोजन इसमें चला गया और पोटेशियम इसमें आ गया, इसमें क्या हुआ कि परासरणी सांद्रता बढ़ी, यानी ये शक्कर की तरह काम करेगा, नमक की तरह काम करेगा, गाढ़ा होगा पोटेशियम मैलेट। अब जो सहायक कोशिका में जो पानी है, जो सहायक कोशिका में जो पानी है, जो जल है, उसका स्थानांतरण होगा द्वार कोशिका में, तो जल इसमें आएगा द्वार कोशिका में। जैसे द्वार कोशिका की परासरणी सांद्रता बढ़ी, जैसे द्वार कोशिका की परासरणी सांद्रता बढ़ी तो जल है वो स्थानांतरित होगा, किसके अंदर स्थानांतरित होगा, द्वार कोशिका में। कहाँ से होगा, सहायक कोशिका से। जब ये सहायक कोशिका से जल किसमें आएगा, द्वार कोशिका, द्वार कोशिका में धीरे धीरे जल आएगा और क्या होगा, ये स्पिन दाब उत्पन्न होगा, स्पिन दाब के कारण बाहर वाली पतली भित्ति बाहर की ओर जाएगी और अंदर वाली मोटी भित्ति भी बाहर की ओर जाएगी,
और इस तरह से आप देखोगे कि ये रंध्र खुल जाएगा, यानी बाहर वाली पतली भित्ति बाहर की ओर और अंदर वाली मोटी भित्ति भी बाहर की ओर जाएगी और रंध्र क्या हो जाएगा, खुल जाएगा। तो रंध्र कैसे खुला आपको सबसे पहले बताना है कि ये जो दिन के समय द्वार कोशिकाओं में क्या होता है, मैलिक अम्ल पाया जाता है, उस मैलिक अम्ल का वियोजन होता है, मैलेट और हाइड्रोजन बनता है। हाइड्रोजन है वो द्वार कोशिका से सहायक कोशिका में स्थानांतरित हो गया। हाइड्रोजन द्वार कोशिका से सहायक कोशिका में चला गया, सहायक कोशिका में जो पोटेशियम है वो द्वार कोशिका में आ गया सहायक कोशिका से। जैसे ही आया पोटेशियम ने मैलेट के साथ क्रिया की, पोटेशियम आया इसने मैलेट के साथ क्रिया की, पोटेशियम मैलेट बना। पोटेशियम मैलेट बनते ही द्वार कोशिका की परासरणी सांद्रता बढ़ जाती है और परासरणी सांद्रता बढ़ती है तो द्वार कोशिका है उसमें जल आता है। जल नेचुरल सी बात है कहाँ से आएगा, सहायक कोशिका से आएगा। सहायक कोशिका से आएगा जिस पर दाब उत्पन्न होगा और बाहर वाली पतली भित्ति बाहर की ओर, अंदर वाली मोटी भित्ति भी बाहर की ओर और अंदर खुल जाएंगे। ये अपने को इसमें ध्यान रखना है। हाँ, तो दिन के समय क्या हुआ अपन इसको समराइज कर लेते हैं। दिन के समय द्वार कोशिका की बात करते हैं अपन। द्वार कोशिका में क्या था, मैलिक अम्ल था। द्वार कोशिका में जो मैलिक अम्ल था उसका वियोजन हुआ और बना मैलेट और हाइड्रोजन। हाइड्रोजन चला गया सहायक कोशिका में या गौण कोशिका में और इसके अंदर था पोटेशियम, उसका सक्रिय सेवन हुआ और वो आ गया यहाँ। इस पोटेशियम ने मैलेट के साथ क्रिया की, पोटेशियम मैलेट बना। पोटेशियम मैलेट बनते ही परासरणी सांद्रता बढ़ी, द्वार कोशिका की परासरणी सांद्रता बढ़ती है। द्वार कोशिका की परासरणी सांद्रता क्या होती है, बढ़ती है। जो द्वार कोशिका है उसकी परासरणी सांद्रता बढ़ती है। अब द्वार कोशिका की परासरणी सांद्रता बढ़ेगी तो जो जल है वो जल किस तरफ से किस तरफ आएगा, जल सहायक कोशिका से द्वार कोशिका में आता है। जल सहायक कोशिका से द्वार कोशिका में आता है, सहायक कोशिका से द्वार कोशिका में आता है और द्वार कोशिका में आते ही द्वार कोशिका स्फीत अवस्था में आएगी। द्वार कोशिका स्फीत अवस्था में आएगी और बाहर वाली पतली भित्ति बाहर की ओर आएगी और अंदर वाली मोटी भित्ति भी बाहर की ओर आएगी और अंदर क्या होंगे, खुल जाएंगे। अंदर वाली मोटी भित्ति भी क्या होगी, बाहर की ओर और अंदर क्या हो जाएंगे, खुल जाएंगे। तो बाहर वाली पतली भित्ति बाहर की ओर और अंदर वाली मोटी भित्ति भी बाहर की ओर और अंदर खुल जाएंगे। तो इस तरह से आपको ये समराइज याद रखना है। मैलिक अम्ल मैलेट हाइड्रोजन में, हाइड्रोजन चला गया सहायक कोशिका में, सहायक कोशिका में पोटेशियम था वो इसमें आ गया, पोटेशियम मैलेट बना, द्वार कोशिका की परासरणी सांद्रता बढ़ी, जल आएगा सहायक कोशिका से द्वार कोशिका में, द्वार कोशिका स्फीत अवस्था में आ जाएगी, बाहर वाली पतली भित्ति बाहर की ओर, अंदर वाली मोटी भित्ति बाहर की ओर और रंध्र खुल जाएंगे। अब अपन रंध्र के बंद होने की क्रिया भी समझेंगे कि किस तरह से रंध्र बंद होते हैं। अब रात के समय रंध्र बंद होते हैं, रात के समय की बात बताते हैं। अब रात के समय ऐसे होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता बढ़ती है, जो ये कार्बन डाइऑक्साइड है उसकी सांद्रता बढ़ती है। अब रात के समय कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता बढ़ने के कारण नेचुरल सी बात है कि श्वसन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही है, उसका अपचयन ज़्यादा नहीं हो रहा है तो उसकी सांद्रता बढ़ती है। कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता बढ़ती है, एक हार्मोन सक्रिय होता है एब्सिसिक अम्ल हार्मोन, एक हार्मोन सक्रिय होगा एब्सिसिक अम्ल हार्मोन। ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि ऐसा कौन सा हार्मोन है जो रंध्र के खुलने और बंद होने का नियंत्रण करता है। एक्चुअल में ये हार्मोन है, इसको तनाव हार्मोन कहते हैं, स्ट्रेस हार्मोन कहते हैं। ये पौधे के लिए उपयोगी है,
पौधा जब जल की कमी से जूझ रहा होता है तब यह हार्मोन क्या करता है, रंध्र बंद करता है और वाष्प उत्सर्जन को रोकता है। तो ये हार्मोन इम्पोर्टेंट रोल कैसे प्ले करता है, ये हार्मोन इम्पोर्टेंट रोल ऐसे प्ले करेगा कि रंध्रों को बंद करेगा और वाष्प उत्सर्जन को रोकेगा। तो ये एक तरह से पादप को जीवित रखने वाला हार्मोन है, इसको शॉर्ट में कहते हैं ABA हार्मोन। रात के समय क्या हुआ, CO2 की सांद्रता बढ़ी, CO2 की सांद्रता बढ़ती FCC नामक हार्मोन सक्रिय हो गया। ये FCC नामक हार्मोन सक्रिय होगा तो ये क्या करेगा, ये नेचुरल सी बात है, ये पोटेशियम आयन के प्रति जो पारगम्यता है, पोटेशियम आयन के प्रति जो पारगम्यता है, जो पोटेशियम आयन के प्रति पारगम्य द्वार कोशिकाओं की उसको बदल देगा, पोटेशियम आयन के प्रति जो पारगम्यता है उसको बदल देगा, यानी द्वार कोशिका की पारगम्यता परिवर्तित कर देता है। द्वार कोशिका की पोटेशियम आयन के प्रति पारगम्यता बदल देता है, पोटेशियम आयन के प्रति पारगम्यता क्या होता है, बदल देता है, पारगम्यता परिवर्तित कर देता है। अब पोटेशियम आयन अंदर नहीं आ पाएगा यानी यह अपारगम्य कर देता है, इसकी पारगम्यता वो क्या करता है, अपारगम्य कर देता है। अब पोटेशियम अंदर नहीं आ पाएगा तो नेचुरल सी बात है द्वार कोशिका की परसरणी सांद्रता कम हो जाएगी, द्वार कोशिका की परसरणी सांद्रता क्या हो जाएगी, कम। अब द्वार कोशिका की परसरणी सांद्रता कम होगी, द्वार कोशिका की परसरणी सांद्रता कम होगी तो अपने को पता ही है कि द्वार कोशिका की परसरणी सांद्रता कम होते ही जल है वो या तो वाष्प उत्सर्जन के रूप में उड़ जाएगा या जल है उसका स्थानांतरण कौन सी कोशिका से नहीं होगा, सहायक कोशिका से जल नहीं आएगा और द्वार कोशिका स्थगित हो जाएगी, और द्वार कोशिका की परसरणी सांद्रता कम होगी, द्वार कोशिका स्थगित अवस्था में आ जाएगी और स्थगित अवस्था में आते ही रंध्र क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। ये स्थगित अवस्था में आएगी और रंध्र क्या हो जाएंगे, बंद। तो मेन इसमें क्वेश्चन ये आता है कि ऐसा कौन सा हार्मोन है जो रंध्र के बंद होने के लिए उत्तरदायी है, तो अपने को बताना है FCC का हार्मोन। ये ऐसा कौन सा आयन है जो रंध्र के कुंड में बंद होने के लिए उत्तरदायी है, पोटेशियम। दो सवाल इसमें मेन बनते हैं, एक पौधा जिसमें वहां जल की कमी है, जो ऐसी जगह है कि ये जल है ही नहीं जमीन के अंदर जल है ही नहीं, पौधा है उसमें वाष्प को उसे जल रोकना है और रंध्र बंद करने हैं, तो उस समय कौन सा हार्मोन सक्रिय होता है, FCC का हार्मोन। तो रात के समय CO2 की सांद्रता बढ़ी, CO2 की सांद्रता बढ़ते ही FCC का हार्मोन सक्रिय हुआ, FCC का हार्मोन सक्रिय होते ही द्वार कोशिका की पोटेशियम आयन के प्रति पारगम्यता बढ़ी और ये पोटेशियम आयन के प्रति अपारगम्य हो गया। अब पोटेशियम आयन अंदर ही नहीं आ पाएगा तो परासरणी सांद्रता कम होगी और परासरणी सांद्रता कम होगी तो नेचुरल सी बात है जल है वो द्वार कोशिका से सहायक कोशिका में चला जाएगा, वाष्प उत्सर्जन के रूप में उड़ जाएगा, तो ये स्लग अवस्था में आ जाएगी और रंध्र क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। ठीक है बच्चों।